Warm welcome to all of you. You have spared your time to come here. Thank you very much. So we have organized this conference. We wanted to just introduce our app that is called Doubts App. So basically, I'm into education business since 14-15 years, and I have seen there are a lot of problems in our society, like with the students. Generally, what is happening in India? There are a lot of apps, but they are working on the videos predominantly. There is no app who can focus on the only doubts. So we realize this, there should be an app so that particularly focus on the doubts of the students, right? So basically in India what happens, generally in classes there are more than 100 students and teacher ratio is 113:1. So this is the problem. So students generally shy away for like they don't ask the doubts. Yeah, so they don't ask the doubts generally. So we realize this problem as an educator. Since 14-15 years I am in this teaching field. So and I met my partners, Mr. Harsh and Mr. Rahulji. So and I share my idea with them and they really like that, and we started our journey. So we started our app, we registered our company on 12th of April. अच्छा हिंदी में ओके ठीक है सो बेसिकली देन वी स्टार्टेड हमने कंपनी रजिस्टर कराई 2019 12 अप्रैल को एंड देन हमने काम स्टार्ट किया. सो बेसिकली आइडिया क्या था इस ऐप को बनाने का कि बीइंग ए टीचर मैंने ये रियलाइज़ किया कि जनरली होता क्या है कि बहुत सारे ऐप हैं, जैसे मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ प्लेटफॉर्म पर, बट वो क्या है कि वीडियोस ऐप है, लाइक जनरली वो उन पर बच्चे वीडियो के थ्रू पढ़ाई करते हैं. देखिए बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, लेकिन उनको कोई ना कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जहाँ अपने डाउट पूछ सके. कोचिंग और स्कूल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है. ऑनलाइन एजुकेशन, ये कोटेशन आप नोट कर सकते हैं मेरा, कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो एक सोल्यूशन नहीं है, वो एक सब्स्टिट्यूट है. हम ऑफलाइन एजुकेशन को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं. एंड हमारे इंडिया में क्या होता है, जैसे मैं भी पढ़ाई करता था तो बड़ा ये डर लगता किसी से डाउट पूछने में. मेरे को डाउट हो तो बड़ा लगता है कि सर से पूछे, सर ने डांट दिया, बच्चों ने मजाक उड़ा दिया. तो इस तरह से हमने एक ऐसा ऐप बनाया जिसमें बच्चे 24/7 कभी भी डाउट पूछ सकते हैं, और डाउट्स के भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं. जैसे अगर उसको लगता है कि भाई ये क्वेश्चन है और फोटो क्रॉप करके खींचना है तो फोटो क्रॉप करके डाउट पूछ सकता है, वो मैं आपको डिस्कस करेंगे आपसे. तो दैट वॉज द आइडिया, लाइक हमको एजुकेशन में कुछ ना कुछ करना था. एंड बिगर थिंग, हमने मार्केट स्टडी किया, रिसर्च किया, एंड देन वी फाउंड कि वीडियोज ऐप तो बहुत सारे हैं, हमें कुछ ऐसा करना जो यूनिक हो. सो दैट्स वाई वी स्टार्टेड डाउट्स ऐप. जो सोसाइटी में प्रॉब्लम थी कि बच्चे डाउट पूछने में उनको डर लगता है, शाई नेचर होता है उनका, जनरली वो लोग क्या करते हैं अपने सीनियर से डाउट पूछ लेते हैं, बट दैट इज़ नॉट द परफेक्ट वे. तो अभी कई लोग पूछते हैं कि सर आपने डाउट्स ऐप बनाया, आप बच्चे तो गूगल से भी सर्च कर सकते हैं. सो गूगल से सर्च और आपके ऐप से सर्च में क्या डिफरेंस है? सो बेसिकली हमारे ऐप में जो आप सर्च करेंगे, जैसे हर एक बोर्ड का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उनका मार्किंग स्कीम होता है. जैसे आप देखेंगे बोर्ड का क्या होता है कि पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर रिजल्ट, ये सिस्टम होता है. अब गूगल में क्या होगा कि पूरे वर्ड से डेटा डल रहा है. तो अब सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है या महाराष्ट्र बोर्ड का बच्चा है, उसने अगर कोई क्वेश्चन डाला है तो कहीं से उसका आंसर आया है, वो उसके बोर्ड के हिसाब से नहीं है उसका प्रोसेस. तो हमने अपने यहाँ हमने ऑलमोस्ट 40-50 टीचर हायर करके उन जो बोर्ड के मॉडरेटर हैं, जो 20-25 साल से बोर्ड में पेपर चेक कर रहे हैं, उनसे हमने सारे क्वेश्चन क्यूरेट करवाए हैं. तो दैट्स वाई वी आर स्पेशल. तो इससे क्या है कि हम इस बात को गारंटी दे सकते हैं कि अगर बच्चे ने हमारे, मतलब किसी भी स्टूडेंट ने हमारे ऐप को यूज़ करके आंसर दिया है, तो वो आंसर 100% उसको मार्क्स मिलेंगे. तो ये एक अचीवमेंट है हमारी. एंड देन अभी तक डाउट्स में होता क्या है कि यू आस्क डाउट, जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म और हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, देयर यू कैन गो एंड आस्क योर डाउट. तो होता क्या है कि उस लूप में, उस ग्रुप में कोई ना कोई थोड़े दिन बाद आंसर करता है, जैसे 2 घंटे बाद आंसर कर दिया है ना, वैसा होता है. हमने क्या किया, हमने एआई बेस्ड, एआई पावर्ड स्मार्ट ये सिस्टम बनाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है. तो ये क्या होता है कि हमारे पास पूरा बैंक है, वी हैव मोर देन 5 लाख क्वेश्चंस जो हमारे ऐप में, इन बैंक में है. तो वो माइक्रो सेकेंड में आपके आंसर को तुरंत लेके आता है, जैसे आपने क्वेश्चन टाइप किया तुरंत आंसर आएगा. तो बेसिकली लर्निंग का जो फेज होता है ना, उसमें डाउट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और हमारे यहाँ क्या, डाउट आप 3 तरीके से पूछ सकते हैं. द फर्स्ट वे इज़ आप नॉर्मल टाइप कीजिए डाउट, जो भी आपका क्वेश्चन है. अगर आपको टाइप करने में प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ डाउट,
और पिक्चर आप लेके फिर आप अपलोड कर दिए तो आंसर आ जाएगा, एंड यू कैन आस्क ऑल्सो लाइक वॉइस सर्च भी है उसमें. तो ये तीन तरीके से आप कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट कई लोगों ने कहा कि सर ठीक है इससे तो हमने डाउट सॉल्व पूरी तरह से नहीं होंगे क्योंकि चलो बच्चे ने आंसर पढ़ लिया. अगर आपको कोई बच्चे को प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, तो दे कैन चैट अस, वो चैट कर सकते हैं. और सबसे जो बड़ा फीचर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं रिवील करना चाहता हूँ, इंडिया में अब तक ऐसा कोई ऐप नहीं है जो जो वीडियो कॉलिंग के थ्रू आपको टीचर से कनेक्ट करता हो. एंड आवर ऐप, जैसे आप बच्चे ने अगर हमारा प्रोसेस कैसा है, इफ़ यू हैव डाउट यू टाइप अ क्वेश्चन, यू टेक अ पिक अप अ क्वेश्चन, यू जस्ट स्पीक, मतलब आप बोल दीजिए क्वेश्चन को, ठीक है, एंड देन आंसर विल कम. अगर उसके बाद स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो हमारे टीम, हमारे बैक में हमारी पूरी टीम बैठी हुई है, तो वो लोग उनसे चैट कर सकते हैं. चैट से क्लियर नहीं हुआ, आप टीचर को सीधा वीडियो कॉल कर सकते हैं. तो हाउ यूजफुल इट इज़, यू कैन अंडरस्टैंड ना कितना हेल्पफुल. अगर हमारे आपके टाइम में भी ऐसा कुछ रहता तो आप लोगों को कोई बहुत हेल्प रहता कि मेरा कल एग्जाम है और मेरे को सम समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने तुरंत टीचर को 10 मिनट में कॉल लगा लिया, टीचर ने वीडियो कॉल में समझा दिया कि ऐसे ऐसे होगा. तो दैट्स रियली गुड. ऐसा ऐप इंडिया में अभी तक नहीं है जो वीडियो कॉल के थ्रू टीचर को कनेक्ट करता हो. तो दिस इज द फर्स्ट ऐप. अपार्ट फ्रॉम द फीचर्स विच अमित सर टोल्ड अस, इसमें बहुत सारे साइलेंट फीचर्स भी एड ऑन मैं करना चाहूँगा. वी हैव बोर्ड पैटर्न्स, क्वेश्चन पेपर्स इन इट, वी हैव टेक्स्ट बुक्स, गाइड्स इनबिल्ट इन दिस ऐप. सो ये साइलेंट फीचर्स इंक्लूसिव हैं ऐप में, मतलब इसके लिए आपको और कहीं नहीं जाना. सपोज यू आर ट्रैवलिंग समवेयर एंड यू आर अनएबल टू कैरी योर बुक्स, सो यू कैन गो थ्रू, गो ऑन आर ऐप एंड आप उस पे जाके टेक्स्ट बुक और गाइड्स पे जाके आप अपना पढ़ सकते हो नॉर्मल. उसमें हमने एडिशनल वीडियोज़ भी डाले हैं, एक्सप्लेनेटरी वीडियोज़ बोलते हैं हम उसको, वो आपको पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट पे एक्सप्लेनेटरी वीडियोज़ हैं वो, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू द वीडियोज़ एंड गेट द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ दैट एनी टॉपिक यू वॉन्ट. एंड ये अभी हम कैटर कर रहे हैं क्लासेस 6 to 12 के लिए. ये 6 to 12 तक अभी, अभी as of now. विजन ये है कि हम लोग इसको ऐसा बनाएंगे कि हर घर घर में यूज हो. हम लोग इसको केजी से 12th करेंगे, फिर IIT जे नीट, आपका IAS PCS MBA सब डालेंगे, फिर बैंकिंग PO सब डालेंगे. ये हमारा विजन है. हमारा डाउट सर जो है यूनिक इसलिए है कि आज हम मास्क में जाना चाहते हैं, जितने भी बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, कॉम्पिटिटर तो है नहीं क्योंकि उनका ऐप ही अलग है, वो एजुकेशन से पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा सब कमाना चाहते हैं, लेकिन हम इसको मास्क में डालना चाहते हैं कि छोटे बच्चे, गरीब बच्चे भी इसको यूज़ कर सकें डाउट्स के लिए. आज दूसरी जो कंपनीज हैं 25,000-30,000 का अमाउंट लेके अपना ऐप सेल कर रही हैं, बट हम लोगों ने इसका बड़ा इकोनॉमिकल प्राइस रखा हुआ है जिससे सारे लोग यूज़ कर पाएँ, एजुकेशन मैक्सिमम जगह जाए. ये एजुकेशन एक ऐसी चीज़ नहीं है कि लिमिटेड लोगों को मिले, जितना मिलेगा उतनी हमारी कंट्री ग्रोथ करेगी. पर तो हमारा व्यू ये है इसमें. सर ये ऐप प्ले स्टोर पर कैसे अवेलेबल होगा, जब के चार्जेस होंगे या फ्री? सो प्ले स्टोर पर आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं इसको, और ये 3 डेज का हम ट्रायल डे देते हैं, ट्रायल पीरियड देते हैं, उसके बाद सब्सक्राइब करना पड़ता है. तो वो हाँ चार्जेस हैं, बिल्कुल चार्जेस हैं. तो जो ऐप की वैल्यू है वो तो हमारी 5,000 के आसपास है, बट अभी हम लोग इसको 1999 में दे रहे हैं. देखिए कॉम्पिटिशन तो 100% बढ़ने वाला है क्योंकि हमारा जो हमारे तक पहुंचने के लिए या जो हमने किया हुआ है उनको करने के लिए उनको कम से कम 2-3 साल लगेगा, क्योंकि ये 5 लाख क्वेश्चन का बैंक बनाना और वो भी बोर्ड मॉडरेटर से जो परफेक्ट टीचर्स हैं उनसे बनवाना और वेरीफाई कराना और वो डालना, तो ये इट्स नॉट ईजी जॉब. तो उनको टफ कॉम्पिटिशन मिलने वाला है. तो देखिए जनरली क्या होता है कि डाउट का एक प्रोसेस होता है, जब हम लर्निंग जो फेज होता है उसके प्रोसेस होता है, पहले आप लर्न करते हैं. तो हमारे यहाँ क्या है कि टेक्स्ट बुक्स हैं, नोट्स हैं, गाइड्स हैं, ठीक है, वो बच्चा वहाँ से पढ़ सकता है. उसके बाद उसे नहीं समझा तो वीडियो देख सकता है, फिर हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे चैट कर सकता है फर्स्ट, फिर वो वीडियो कॉल कर लेगा. अब वीडियो कॉल इज लाइक ए पर्सनल ट्यूशन. अभी बच्चे को अगर वहाँ पर जब पर्सनल ट्यूशन अगर वहाँ पर नहीं समझ में आता, कहीं ना कहीं उसका फंडामेंटल बेसिक में प्रॉब्लम है. तो जो ट्यूटर जो आते हैं, हमारे जो एक्सपर्ट टीचर होते हैं, वो समझ आते हैं बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, फिर उसको वो बेसिक ही कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं. लेट्स से किसी को अगर ये नहीं पता है कि भाई न्यूटन लॉ का कोई प्रॉब्लम है और उसको FBD बनाने ड्रॉ करने नहीं आ रहा है, तो वो एक ड्रॉ करने का प्रॉब्लम है. तो वो ट्यूटर आके हमारे वहाँ पर उसको समझा देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करना है और ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट. एंड वो चाहे तो ट्यूटर से और लंबी बात कर सकता है.
मतलब वो फिर उनको सब पे करना पड़ता है, तो उसके अलग चार्जेस होंगे। यू कैन अंडरस्टैंड कि हायरिंग ए टीचर इन मुंबई एंड दिल्ली इज नॉट एन इजी टास्क, थोड़ा पैसा लगता है, तो हमने बहुत नॉमिनल रखा हुआ है। सो दैट हमारा विज़न ये है कि देखिए एक्चुअली क्या है, विज़न क्या है कि देखिए मैं एजुकेशन में हूँ, मेरे तीन चार सेंटर्स थे पहले, तो हम लोग हमने हमेशा बहुत ही एजुकेशन को प्रायोरिटी दी है। बहुत सारे बच्चे जो फीस नहीं पे कर पाते हमने उनको भी एजुकेशन दिया है, तो लेकिन हम एक लिमिटेड वर्क कर रहे थे। अब ऐप के थ्रू क्या है, हम पूरे इंडिया में वर्क कर सकते हैं। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं या फिर प्राइवेट ट्यूशन अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये हमारे ऐप के थ्रू उनको फ़ायदा मिलेगा। सो एजुकेशन कैन गो लाइक हर कोई ले सकता है, हर कोई। और आप समझिए अगर कोई बच्चा लेट से एक रूरल इंडिया में बैठा हुआ है, एमपी के रूरल पार्ट में बैठा हुआ है, यूपी के रूरल पार्ट में बैठा हुआ है, वो बॉम्बे का जो क्वालिफाइड टीचर है, दिल्ली का जो क्वालिफाइड टीचर है, जो IITian है, जो PhD होल्डर है, उनसे बैठ के वो कंसल्टेंसी वहाँ ले सकता है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग ना। आप वो बच्चा कभी लाइफ में सोच नहीं सकता है कि वो एक IITian जो IIT बॉम्बे से पढ़ाई किया है, IIT दिल्ली से जो पढ़े हुए लोग हैं, उनसे कंसल्टेशन लेगा, और वो भी बहुत नॉर्मल कॉस्ट में जो अफोर्ड कर सकता है, एक गाँव का बच्चा भी अफोर्ड कर सकता है हमारे ऐप को। तो दिस इज द बेस्ट थिंग वी आर डूइंग फॉर सोसाइटी। सो ये ऐप हमारा ऑलरेडी बीटा वर्जन प्ले स्टोर पर है, मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के 5 to 7 डेज बाद लोग अपना इसको यूज करना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि सर इंडिया जो है बहुत बड़ा मार्केट है। करेक्ट। अगर मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, पूरे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में हमारे इंडिया में, तो कैसे सब कुछ प्रोसीजर होगा ये आप लोगों का? हाँ, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, जैसे मुंबई में तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, करेक्ट, एक दो घंटे बाद लोगों को मालूम पड़ जाएगा, तो और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में सब कैसे करेंगे? जी जी जी। सो बेसिकली हाँ, बेसिकली हमारा प्लान ये है कि पहले हम लोग जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम बेसिक सेल्स अपना स्टार्ट करेंगे, एंड देन विल सी हाउ इट्स गोइंग। लोग अभी तो देखिए लोगों को ऐप बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि हमने कोई इफर्ट नहीं डाला है, हमने जस्ट प्ले स्टोर पर ऐप को डाल दिया था, और आज हमारे 80,000 प्लस यूज़र हैं जो यूज़ कर रहे हैं, और लाइव एक्टिव यूज़र हर महीना 4 से 5 हैं, मतलब बीटा वर्जन हमारा। तो बीटा वर्जन में टेस्ट के लिए डाल दिया था, यू नो कोविड आ गया, तो कोविड के बाद हमारा सारा काम सब बंद हो गया था, तो उसके बाद हमने बीटा वर्जन डाल दिया था कि चलो ठीक है लोगों को फ़ायदा तो हो, तो लोगों ने यूज़ किया है, दे आर लाइकिंग इट। तो उस आफ्टर एक हमारा ये मार्च के बाद, मार्च तक तो हम लोग अभी जो बॉम्बे है एंड आसपास के जो सिटीज़ हैं वहीं कवर करने वाले हैं, एंड आफ्टर मार्च विल मूव फर्स्ट हम लोग जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ जाएंगे, फिर रूरल इंडिया जाएंगे, लाइक दैट वैसे प्लान है। तो वहाँ पे हम लोग ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करके फिर ऐसे जाएंगे, दिस इज आवर प्लान। दिस इज द आपका आपसे तो बातचीत प्राइमरी चीज़ है, अगर आपके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, विदाउट मीडिया नथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि सर हम देखते हैं कि हर एक ऐप के साथ में आपका आज का जो टाइम है, कोई ना कोई सेलिब्रिटी जुड़ा हुआ है, मार्केटिंग किस तरह से स्ट्रेटेजी होती है, तो क्या आने वाले दिनों में हम ऐसा देखेंगे कि आपके डाउट्स ऐप के साथ में आप सेलिब्रिटीज को भी जोड़ेंगे? देखिए एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो विज़न है, हमारा विज़न है कि हम लोगों को कह सकते हैं किफ़ायती एजुकेशन बहुत ही कम रेट में, मतलब एक क्वालिटी एजुकेशन बहुत ही किफ़ायती रेट में दे पाए, है ना, तो वो हमारा विज़न है। तो अगर कोई सेलिब्रिटी इस वे से हमारे साथ जुड़ना चाहेगा तो हम उसका ऑब्वियसली वेलकम करेंगे, लेकिन अगर कोई बहुत कमर्शियल वे में आता है तो, क्योंकि हमने हमारा विज़न वो है ही नहीं कभी, वी डोंट वॉन्ट टू बिकम लाइक एक बहुत सुपरस्टार को लेके आया और बहुत पैसा उनको दे दिए, रादर देन दैट वील इन्वेस्ट दैट मनी ऑन आवर टीम एंड ऑन आवर स्टूडेंट्स। हम उनको कुछ फ्री में देंगे, कुछ जो उनको चीज़ें देंगे जो उनको बेनिफिट होगा, मतलब वैल्यू एड होगा उनकी लाइफ में। सो अगर कोई ऐसा स्टार है और हमसे जुड़ना चाहते हैं कि ठीक है एजुकेशन इज द बिग कॉज एंड बेस्ट कॉज, है ना, एजुकेशन तो रूट कॉज है ना, उसके लिए सबको काम करना चाहिए, वी आर वर्किंग। हमने थोड़ा चार्ज इसे रखा है आपका कि हमारा काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता है, यू कैन अंडरस्टैंड सारे टीचर्स हमने हायर किए हुए हैं, डेवलपर्स हायर किए हुए हैं, और हर दिन सर्वर का खर्चा है, हर चीज़ खर्चा है, तो दैट्स व्हाई हमने बहुत थोड़ा स्मॉल चार्ज रखा हुआ है लाइक दैट। तो अगर कोई ऐसा कोई सेलिब्रिटी है वो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वी आर ओपन फॉर दैट। कुछ अपील करना चाहेंगे व्यूअर्स को, ऑडियंस को? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम अपने व्यूअर्स को, ऑडियंस को यही कहना चाहते हैं कि आप लोग ज़रूर इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, और इस ऐप से आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें अभी जो फीचर्स हैं हम लोग और भी बहुत सारे फीचर अपडेट करते रहेंगे। लाइक अभी रिसेंटली हमने एक फीचर अपडेट किया साइकोमेट्रिक टेस्ट। अब साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट है उसको देखना है कि उसका कौन सा पार्ट वीक है, कौन सा पार्ट स्ट्रांग है, उसके माइंड का कौन सा पार्ट वीक है, उसको किस में करियर काउंसलिंग करना है, तुम्हारे ऐप में वो भी फीचर है, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट वो जाके दे सकता है, ओ दैट इज़ फ्री।
आप कहीं मार्केट में लेने जाएँ और बाकी लोगों से लेने जाएँ तो देर पीपल उसके लिए चार्ज करते हैं, हमने वो फ्री रखा हुआ है। तो हमारा कोर कॉन्सेप्ट यही है कि हम एजुकेशन सबको अवेल कराना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।